जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है स्किन के ऊपर, डर्मेटोलॉजी के जो है डिपार्टमेंट, उसे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ लाइव कॉल्स कीजिए। बात अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से हुई थी कि ड्राइनेस ऑफ द स्किन जो आजकल सीजनल है उसका क्या सदबाव किया जाए, तो डॉक्टर साहब ने कहा था एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है। आप उसके बारे में और भी कुछ बताएं। ये बच्चों में बहुत कॉमन है और इसके दो तीन फेजेज़ होते हैं, एक चाइल्ड फेज़, एक इन्फेंसी फेज़, दूसरा चाइल्ड और तीसरा अडल्ट फेज़। इन्फेंसी फेज़ जो होता है वो 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक, और उसके बाद चाइल्ड फेज़ होता है, चाइल्डहुड फेज़, वो 5 ईयर्स अप टू एज ऑफ 10 ईयर्स, और उसके बाद फ्रॉम द एज ऑफ 12 एंड ऑनवर्ड इसको एडल्ट फेज़ भी हम काउंट करते हैं। तो वैसे 90% पेशेंट जो होते हैं इसके इन्फेंसी या चाइल्डहुड फेज़ में ठीक हो जाते हैं, और ये मौरूसी बीमारी है अगर हम इसको एग्जैक्टली बोलें, यानी कि हेरिडिटरी, हेरिडिटरी और बड़ा मुख्तसर में इसमें कि हमारे वाइट सेल्स थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव करते हैं जिसकी वजह से इसमें बुरा शदीद प्रूराइटस होता है पेशेंट। अच्छा, और खुजली, खुजली, और बच्चा सारी रात खुजाता है और माँ बाप को भी तंग करता है, बता भी नहीं सकता है ना, बताता तो है। हाँ। मतलब जो इन्फेंट तो नहीं बता सकता ना, इन्फेंट उसको इनिशियली ये जो 6 मंथ्स एंड ऑनवर्ड ग्रेजुअली ये विद द एज ये बढ़ता है ये। अच्छा, और जो उसके बाद फिर कम होता जाता है, फिर कम होता जाता है, और बड़ा जल्द इन्फेंसी फेज जो है वो जितना जल्दी शुरू होता है उतनी जल्दी वो ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाता है। सही हो गया। और इसमें दूसरी जो फीचर है वो ये कि ड्राई स्किन ड्राई बहुत होती है। डाइट क्या लेनी चाहिए डॉक्टर साहब? इसमें देखें ये जो है डिजीज ऑटोमेटिकली जैसे इन्फेंसी फेज है वो 6 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है, और चाइल्डहुड फेज मैक्सिमम 12 साल की एज तक रहता है। इसलिए बेहतर ये है कि हमें डाइट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। डाइट कोई बहुत ज़्यादा इसमें उसका रोल भी नहीं है। अगर आप बच्चे की प्रोटीन ख़त्म भी कर देंगे तब भी बच्चे को बीमारी रहेगी, इसलिए बेहतर है कहते हैं कि जी प्रोटीन खत्म कर दें। हाँ। अगर इसमें प्रोटीन ना खत्म करें क्योंकि उससे बच्चे की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उल्टा बच्चा ग्रोथ का कम वो शिकार हो जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, वो रिटार्डेड होगी इसकी ग्रोथ। इसलिए बेहतर है कि उसको आप एग, फिश, मीट सब दीजिए। बाकी जो एलर्जी को काउंटर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एंटी एलर्जी सीरप्स भी हैं और क्रीम्स भी हैं जो कि बहुत सेफ है और बहुत इफेक्टिव है। तो उससे हम एलर्जी को तो काउंटर कर लेंगे विद इन ए मंथ, और बच्चा जो है वो ठीक रहेगा। मगर आप बच्चे की डाइट जो है वो उसे प्लीज़ नॉर्मल रखें। नाजिया की ईमेल है, वो लिखती हैं कि उनके जब भी बाहर निकलती हैं तो सनबर्न्स हो जाते हैं, तो सनबर्न से प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए? सनबर्न से प्रोटेक्शन के लिए सन ब्लॉक ही है बेस्ट ट्रीटमेंट, और सन ब्लॉक 60 लीजिए, और किसी भी अच्छी बेटी केडिट कैलामाइन लोशन भी देते होते हैं ना सन ब्लॉक क्योर करने के लिए। कैलामाइन लोशन अब बहुत पुरानी रेमेडी हो गई है। अच्छा, उसकी वैसे अब मतलब अच्छी फॉर्म्स भी हैं जो कि कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो वो पिंक सा होता था और है ना वो जी पाउडर सा जब ड्राई, मुझे भी एक जमाने में होते थे लेकिन वो खुद ही आउटग्रो, आई जस्ट आउटग्रो इट, फिर अब नहीं होते। और वो लहदा बात है कि मैं सन में निकलती नहीं। उसमें एक और चीज़ ये है कि अगर हम कोई कवर करें अपना फेस तो बेहतर है, बेहतर है। ठीक है, जो कि हमारे रिलीजन में भी है बिल्कुल। एक कॉलर भी है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं अली मलिक बात कर रहा हूँ जो टाउन से। जी आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा है 1.5 साल का, ठीक है, उसको एक तो डेंड्रफ बहुत है, बहुत ज्यादा, उसके लिए लोशन लिखवाया था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेंड्रफ मुझे भी है, इवन वो अंदर जो दसी होती है डेंड्रफ वो है, वो बारिश भी बहुत होती है उसके कानों के पीछे भी। अच्छा, और रात को जब सोता है तो वो उसको कानों में भी खारिश होती है। उम्र क्या बच्चे की? उम्र उसकी 1.5 ईयर। डॉक्टर साहब आपको सवाल करना चाहे, ये इसमें वो जो 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 स्केल्स बनते हैं उनका कलर क्या है? रेड हो जाते, रेड नहीं होंगे, व्हाइट होंगे, स्केल्स तो हमेशा व्हाइट होते हैं। सॉरी, स्किन पे जो उसके कान वगैरह पीछे है वो रेड हो जाते हैं ना, वो तो स्केल्स व्हाइट होते होंगे, वो तो एरिथीमा तो डेफिनेटली होगा, उसका रिएक्शन है, रिएक्शन है वो तो उसका। मेरे मुझे भी होता है, मुझे भी है, ये चंद दिनों में हो गया, वो ज्यादा खारिश भी है और डैंड्रफ भी है, जरा प्लीज बता दें लोशन वगैरह यूज हो सकता है। इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, और ये फंगस की एक, वैसे तो फंगस नॉर्मल है, हम सबके सर में मौजूद होती है, और वो हार्मलेस कोबेंसल होती है, मगर कुछ लोगों के जो सर में ऑयल सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ फैटी एसिड एक्स्ट्रा होते हैं जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा ग्रो करती है, और जब से ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हमें ये रिएक्शन मतलब एरिथीमा और ये सारी चीजें हो जाती है। इसमें यह कि आप अच्छा सा एंटी फंगल शैम्पू यूज़ कीजिए। एंटी फंगल शैम्पू जी, उसमें जैसे जिंक पेरिथियोन है,
और सेलिनियम सल्फाइड है, और कई दफ़ा अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, इन कम्बिनेशन भी है। फिर कीटोकोनाजोल एंटीबायोटिक है, इसका एक शैम्पू होते हैं वो यूज़ कर लीजिए आप। और अच्छी सी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन है वो यूज़ कीजिए। मतलब जो क्रीम है वो स्कैल्प पे लगानी है? वो स्कैल्प पे लगानी है ताकि वो जो एरिथीमा और जितने भी सारे एलर्जिक जो हैं इन हमें नज़र आ रहे हैं वो सारे उनको हम उनको काउंटर करने के लिए। बच्चे को भी वो लगा सकते हैं? बच्चे को हाइड्रोकॉर्टिसोन बच्चों में बहुत सेफ है। अच्छा, 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम इज़ वेरी सेफ इन इन्फेंट्स, इवन आप एक महीने का बच्चा उसे भी यूज़ करवा सकते हैं। ये जो अभी आपने शैम्पूज के नाम लिए फिर से बता देंगे ताकि नाज़रीन उनको लिख लें। एक सेलेनियम बताया आपने, सेलेनियम सल्फाइड, एक जिंक का कोई शायद, और एक जिंक पेरिथियोन, हाँ जिंक पेरिथियोन, और वो जो है 1% हो तो ज़्यादा बेहतर है, और 2% तो बहुत ही इफेक्टिव। ये कहाँ से मिलेंगे? ये मेडिकेटेड है सारे, तो जो केमिस्ट से, हाँ जो बाजार में जो जो कॉस्मेटिक कंपनियां बनाती हैं उसमें 1% तक होता है जिंक पेरिथियोन। ठीक है, उससे ये होता है कि वो जो है पार्शली रेडिकेट करते हैं फंगस को, तो पेशेंट बेचारा सारी जिंदगी उस पर लगा रहता है। वो चाहते भी यही हैं कि उनका शैम्पू सेल होता रहे। हाँ। तो जो मेडिकेटेड है उनमें उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। सही सही। तो और फिर तीसरी है कीटोकोनाजोल, ये तीन चीजें बहुत अच्छी हैं। कीटोकोनाजोल वो तो एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दोनों है ना? एंटीबायोटिक है जो विच हैज गॉट एंटी फंगल एक्टिविटी, ठीक है, नॉट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है साबरा की ईमेल कि इनके बच्चे को बालचर हो गया है एलोपेशिया, उसका क्या इलाज है? एलोपेशिया एरिएटा, इसका इलाज बहुत बहुत अच्छा इलाज है इसके। और इसमें होता क्या, जरा नाजरीन भी इन लाइन हो जाए। इसमें ये होता है कि वाइट सेल्स का काम होता है हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया है उनको उनको रिकग्नाइज करना और उनको मारना, सिंपल वर्ड में। कई बार ये होता है कि उनमें खुद एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, और कुछ जो हमारे जिस्म में कुछ ऐसे पैचेस होते हैं स्कैल्प के खास तौर पे, कि वहाँ पर वो वाइट सेल जो है वो जो हेयर सेल है उनको उनकी इवन वो खुद थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव करते हैं ना वाइट सेल्स, तो वो उनकी बालों की जो रूट्स हैं उनके सेल्स को वो बैक्टीरिया समझ के उन पर अटैक करते हैं, जिससे बालों की रूट्स वीक हो जाती हैं, बाल गिर जाते हैं। इसका तकरीबन सक्सेस रेट जो है ना ट्रीटमेंट का 80-90%। कॉलर है जी अंसर जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अंसर बोल रहा हूँ जी। अंसर आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरे दोनों पाओं के जो अंगूठे हैं ना उनकी जो बाहर की साइड है वहाँ पे जो है ना वो काली स्याह हुई है और छोटा सा जख्म वगैरह बना हुआ है। अच्छा, उसमें पस नहीं है, और मैंने ये 2-3 दफा जो है ना स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है उधर अपना इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे स्टेमाजोल दी है वो जो लिक्विड सा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। डॉक्टर साहब आपको सवाल करना चाहिए, ये जो आपकी जो नेल है ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, बहुत ज़्यादा यानी उनका जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्वेचर जो है उनका ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो होता ही है क्या, वो आपका वो जो नेल है वो उसको ज़्यादा कर्व्ड है और वो जो आपके सॉफ्ट टिश्यू है उसको डैमेज करता है वो जब आप चलते हैं, तो इसको इन ग्रोइंग टो नेल कहते हैं जो आप बता रहे हैं ना। और इसमें जो है इसमें 2-3 इलाज हैं। एक तो इलाज ये है कि हम इस नेल को काटते इस तरह हैं कि वो हमारे जो है वो टिप जो है नेल की दोनों साइड पे वो सीधा काटते हैं उसको इस तरह बड़ा। हाँ। वो बड़ा टेक्निकल है वो, आप इस पे टेलीविजन पे बताना तो जरा। हाँ, वो अगर आप आ जाएं तो आपको डॉक्टर साहब सिखा देंगे, बाकी बताना मुश्किल। दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि उसको सर्जिकली रिमूव करवा दें आप नेल को, ताकि दोबारा ग्रो ही ना करे वो। अच्छा, और ये जो आपने लोशन बताया ये एंटी फंगल लोशन है, ये क्योंकि इन्फेक्शन तो हमेशा बैक्टीरियल होती है। इनके एक्चुअली वो है ना, ये कह रहे हैं ब्लैकनिंग भी है और फिर जख्म बने हुए हैं उसमें। तो देखें जरूरी है कि जब एंटी देखें फंगस और नेल का बहुत क्लोज रिलेशन है, उसके लिए जरूरी है कि आपकी नेल का पीस काट के और उसका फंगल टेस्ट करवाइए लेबॉरेटरी में। दैट इज़ वेरी इजी, आप क्लिपिंग लें और लेबॉरेटरी में जाके उसमें कहें जी फंगल टेस्ट कर दें इसका। अगर फंगस पॉजिटिव आए फिर आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट लें उसकी। सही। अमार की ईमेल है, वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हूँ, क्या स्मोकिंग छोड़ने से मेरी स्किन पे कोई इफेक्ट बेहतर होगा? स्किन का स्मोकिंग से कोई खास लिंक नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, आपके कई फिल्म एक्टर जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं वो। डॉक्टर साहब रहने दें, फिल्म एक्टरों के तो मुंह पे इतनी बेस होती है जिसकी कोई हद नहीं है।
अब क्या कह सकता हूँ मैं कहती हूँ आई थिंक कि स्मोकिंग का हर ऑर्गन पे हर चीज पे इफेक्ट होता है, ठीक है, एंड दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट. जब एक आप चीज टार जमा हो रही है आपके लंग्स के अंदर और आप कार्बन मोनोऑक्साइड और सारी चीजें केमिकल्स जमा हो रहे हैं, उसका अच्छा इफेक्ट स्किन पे कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे एक पेशेंट थे, वो बहुत स्मोकिंग करते थे और उनके जो नेल्स थे ना वो ब्लू थे, और जब उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी नेल्स की डिस्कलरेशन ठीक हो. वो डिस्कलरेशन तो होती है, वो जो आप टार की बात कर रहे हैं वो तो जब वो पकड़ते हैं वो नज़र आती है. जो आप देखें ना, कोई कभी कोई हार्ट पेशेंट अगर आप देखें, हम लोग जब इस फील्ड में थे, अब तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो उसमें हम देखा करते थे कि उनके हाथ जो स्मोकर उनके हाथ, वो आप जो वाली बात है डिस्कलरेशन हो जाती थी, लिप्स उनके जो है वो डिस्कलर हो जाते थे, इवन उनके वहाँ पर एक एश्ट्रे बन जाती थी. हाँ, ये बात सही है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो माथे की ब्लैकनिंग है, सिर्फ राज की ईमेल है कि माथे पे ब्लैकनिंग है, उसका क्या करें? माथे पे ब्लैकनिंग जो है वो वेदर की जो है ना वो चेंजेस और आपको डस्ट से एलर्जी से होती है, ये मर्दों में बहुत नजर आती है. उसके लिए भी वही है कि आपको कुछ पीलिंग करवानी पड़ेगी स्किन की अपनी. सही. मैंने एक चीज डायरेक्ट इफेक्ट तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन कुछ पेशेंट्स का जिनकी फोरहेड पे ये ब्लैकनिंग हो जाती है, मुझे लगता है कि उनके कुछ टेस्ट शूट अप किए होते हैं जिसमें यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर शूट अप हो, तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा ब्लैकनिंग हो जाती है. कोलेस्ट्रॉल से ना वो एक्सैंथिलास्मा होता है, वो फैट जो डिपॉजिट हो जाती है अराउंड आईज, वो बहरहाल टेस्ट को शूट नहीं होने देना चाहिए. दैट्स वेरी ट्रू. टेस्ट वैसे आपको एवरी 3 मंथ्स जरूर करवाने चाहिए अपने, ठीक है, जैसे जो अभी आपने बताया था बेस लाइन जरूर होना चाहिए. हाँ, टेस्ट जरूर होने चाहिए क्योंकि आपकी सारी बॉडी का जो सिस्टम है दैट शोज ऑन योर स्किन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ओवर, और मुफीद मशवरे देने का शुक्रिया. वेलकम. नाजरीन, डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, छाइयों के मुतालिक बताई हैं, इसके अलावा एक्ने के मुतालिक बताई हैं, इसके अलावा हमने फंगस को डिस्कस किया, डैंड्रफ को डिस्कस किया. जो मेरे जेन में आ रही थी, जितने सवाल लात थे जो बाकी बच गए थे, वो ईमेल से हमने कवर कर लिए. फिर भी अगर आपके जेन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमसे ले सकते हैं और City42 के तवज्जो से उनको जाके मिल सकते हैं. मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखें, रिमेंबर कि अ लॉट ऑफ इनटेक ऑफ वाटर, कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं, कोला ड्रिंक्स नहीं, दूध का इस्तेमाल और इन चीज़ फल का इस्तेमाल, इनसे आपकी स्किन वैसे ही अच्छी होएगी और पता लगेगा कि जो जिसको कहते हैं ना द डेप्थ ऑफ ब्यूटी, दैट विल कम आउट. तो अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़.